समोसे तो हम बना ही लेते हैं, लेकिन अगर हमें ज्यादा लोग के लिए एक साथ बनाने हो तो आप बनाइए कि पोटैटो रोल एकदम समोसे का ही टेस्ट लगेगा आपको, और एक साथ आप बहुत लोगों के लिए ढेर सारे समोसे बना सकते हैं। कम टाइम में ये एकदम क्रिस्पी स्नैक समोसे के टेस्ट वाली हम बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले आटा लगा लेंगे। तो समोसे का आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कप लिया है मैदा, उसमें डाला है नमक और थोड़ा सा अजवाइन, जैसे हम समोसे के आटे में डालते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है 5 चम्मच तेल। आप चाहे तो इसकी जगह घी भी ले सकते हैं, लेकिन तेल से जो है वो खास्ता बनता है, और जो घी हम अगर यूज़ करते हैं तो बहुत सॉफ्ट बन जाता है। तो आप अपना यूज़ कर लें जो आपको मन करे। अब इस तरह से पूरे आटे में आपको ऑयल को मिक्स करना है, और अब हमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है। समोसे के आटे में पानी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें मॉइस्चर जितना कम रहे उतना अच्छा है। अब इस तरह से एक साथ आपको आटे को पूरा इकट्ठा कर लेना है, बिल्कुल पानी यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, और इस तरह से इसको मसलते हुए सॉफ्ट कर लेना है, पानी के यूज़ से नहीं। अब हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रखेंगे, तब तक हम मसाले बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने उबले हुए आलू ले लिए हैं यहाँ पे, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। एकदम सबसे पतली वाली जो जाली आती है उससे हमें इसे ग्रेट करना है, एकदम पतला पतला, बिल्कुल इसके अंदर गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसे भून नहीं रहे हैं, बस इसमें ऐसे ही रॉ मसाले यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्च, नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। तो मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का आटा भी ले सकते हैं। ये जो है वो आलू को बाइंडिंग देता है। आगे मैं आपको इसका यूज बताने वाली हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो अब मैं इसे मिक्स कर ली हूँ, अब हम इसे साइड पर रख देंगे, और हमारे आधे घंटे हो गए हैं। अब हम आटा को देख लेंगे, रेस्ट के बाद ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब हम हाथों से मसलते हुए इसे सॉफ्ट कर लेंगे, और अब हम इसे डिवाइड कर लेंगे 3 भाग में। तो मैंने यहाँ से 3 भागों में डिवाइड कर लिया है, और एक को ले लेंगे जैसे लोई बनाते हैं नॉर्मल रोटी बनाने के लिए, उसी तरह हम ले लेंगे। थोड़ा बड़ा लोई लिया है मैंने, और अब हम इसे बेल लेंगे। ना तो इसे हमें बहुत मोटा बेलना है और ना ही बहुत पतला बेलना है, मीडियम हमें इसे बेल लेना है। अब हम किनारे को यहाँ से कट कर लेंगे, ताकि जो साइड में मोटे परत है वो अच्छे से निकल जाए और इक्वल गोल सी रोटी हमें मिल जाए। अब मैंने यहाँ पे बीच में एक ग्लास रख लिया है, आपके पास ढक्कन है आप वो रख लें। अब हम अपने आलू के पेस्ट को इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एकदम आपको पतली लेयर लगानी है, मोटा नहीं लगाना है। आलू को आप एकदम पतले लेयर में इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, आप थोड़ी सी ऑयल लगा लें। अब हम यहाँ से ग्लास को हटा देंगे और इसे कट कर लेंगे। पतली वाली जो नाइफ आती है आप उससे कट करें, या फिर पिज्जा कटर आता है आप उससे भी कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले 2 भागों में डिवाइड कर लिया, फिर 4 में, फिर मैंने यहाँ पे अलग अलग स्लाइसेस कट कर लिए एकदम पतले पतले। अब जो ये बीज का पार्ट है हम इसे ग्रेस कर लेंगे पानी से, ताकि हमारे जो किनारे हैं वो चिपकाने में दिक्कत ना आए, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ग्लास रख दिया था। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे पहले आप इसे फोल्ड करके खींच लें, हल्का सा लंबा कर ले, उसके बाद आप धीरे धीरे इसे फोल्ड करें। मैंने यहाँ पे आलू में कॉर्न स्टार्च इसलिए मिलाया था, ताकि इस तरह से हम रोल करेंगे तो जब हम ऑयल में इसे डालेंगे तो जो ऑयल है वो गंदा ना हो, आलू उसमें स्प्रेड ना हो, वो एक बाइंडिंग देता है जिससे आलू निकलता नहीं। तो आप इस तरह से पहले इसको खींचिए, फिर आराम से इसे फोल्ड कर दीजिए, और किनारे को अच्छे से चिपका लेना है ताकि ये खुले नहीं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए पहले यहाँ पे मैंने कलछी लगा दिया था, उसके ऊपर मैंने इसे एक एक करके डाल दिया है, और अब हम इसे हल्का सा सेट होने के बाद ऑयल में ड्रॉप कर देंगे। इसी तरह से अपने सारे पोटैटो रोल का इसमें डाल के सेट कर दें, और एक बार जब हल्का सा ये सेट हो जाए उसके बाद ही इसे फ्लिप करें इधर उधर। देखिए अभी आलू जो है बिल्कुल नहीं निकला है, और लास्ट तक इससे आलू नहीं निकलेंगे, क्योंकि हमने इसमें कॉर्न स्टार्च मिलाए हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनता है, बहुत टेस्टी लगता है, बिल्कुल समोसे की तरह लगता है ये। और कम टाइम में आप इतने ज़्यादा समोसे एक साथ बना सकते हैं। जब घर पे ज़्यादा गेस्ट हैं तो आप इस तरह से समोसे बना सकते हैं अपने घर पे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए कितना क्रिस्पी बना है, तो आप भी इसे घर पर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। थैंक यू।